हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर, खुशखबरी के बारे में, सुपर टीईटी और टीजीटी पीजीटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुपर टीईटी और टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है और सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हों या बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी। इन तमाम अपडेट में डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरू बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही आप सभी की सभी भर्तियां कंप्लीट करनी है, चाहे वो आपकी सुपर टीईटी की भर्ती हो या फिर टीजीटी पीजीटी की भर्ती। अब टीजीटी पीजीटी को लेकर जब बात आती है तो ये भर्ती लंबित भर्तियों में गिनी जाती है क्योंकि इसका विज्ञापन 2022 में निकाला गया था और अभी तक इसकी परीक्षा नहीं हो पाई थी। और अब परीक्षा को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें रोज़ आए दिन आप सभी के सामने निकल कर आई थी, लेकिन अब एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। और अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्ज़ाम और उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्तियों को लेकर आप सभी को जल्दी एक बड़ी अपडेट मिलने वाली है क्योंकि उत्तर प्रदेश नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर परीक्षा नियंत्रक का कहीं ना कहीं जो नियुक्ति है वो मिलने वाली है और इसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार शिक्षा सेवा चयन आयोग में देवेंद्र प्रताप सिंह ने यहाँ पर संभाला परीक्षा नियंत्रक का पद। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रथम परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनके इस 3 साल के लिए नियुक्ति दे दी गई है। देवेंद्र प्रताप सिंह के माध्यम से कार्यभार ग्रहण संभालने के बाद में वर्षों से लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के पदों के लिए परीक्षाओं की तारीखें जल्द घोषित होने की उम्मीद जगी है। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर अब जो शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। आयोग के गठन के बाद अध्यक्ष और सदस्य और सचिव समेत तमाम पदों पर नियुक्ति कर दी गई थी लेकिन एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। अब बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के सामने निकल कर आ गई है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर एकमात्र एग्जाम कंट्रोलर का पद जो खाली रह गया था, जिसके चलते ना तो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट की घोषणा हो पा रही थी और ना ही यहाँ पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नई शिक्षक भर्तियों को लेकर कार्य है वो हो पा रहा था। लेकिन अब बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है कि यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो एग्ज़ाम कंट्रोल है उसकी नियुक्ति कर दी गई है और उसके साथ ही अब टीजीटी पीजीटी और नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जो इंतज़ार है वो समाप्त होने जा रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्ज़ाम कंट्रोलर के आने के कुछ दिनों बाद ही आप सभी के सामने टीजीटी पीजीटी को लेकर एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाएगी। रही बात नई शिक्षक भर्तियों को लेकर, तो वो डिपेंड करेगा अध्याचनों के ऊपर कि किस भर्ती को लेकर अध्याचन मिलते हैं और किसका विज्ञापन फिर वो जारी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।